हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवल स्पीयर 07। हरदम आपके साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अभी फिलहाल नेहरूगाम, क्योंकि मुझे छोड़ना है वाइफ को नेहरूगाम। फिर उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं वो आएंगे और हमारा प्लान बनाया गाइस आज ऋषिकेश जाने का और इसके थोड़ा बहुत जगहों का एक्सप्लोर करने का जितना भी हमें टाइम मिल पाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो मौसम एकदम हाथ हो रही है, बहुत धूप। उम्मीद करते हैं मौसम ऐसे ही रहे और थोड़ा ठंडा सा भी रहे, क्योंकि अभी देहरादून के मौसम को कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है, पर हम उम्मीद यही करेंगे कि मौसम ठीक रहे। गाइस लंगूर तो चेक दिस आउट बॉयज, ये देखना अभी। हाँ ये देखो गाइस, पूरा हरा भरा है, हम बिल्कुल जंगलों के बीच से जा रहे हैं और ये रास्ता अभी तक मेरे हिसाब से बहुत कम को पता है। आप व्यू देखो, बिल्कुल हरा भरा। और गाइस ये रास्ता पड़ता है आपका मालदेवता के लिए, जो निकलता है हमारे सहजारा से मालदेवता के लिए। और अभी जैसे सीज़न का टाइम चल रहा था ना, तो पूरा यूपी हरियाणा और पंजाब के लोग यहीं फ़ोटोशूट वगैरह के लिए बैठे थे और यहीं ज़्यादातर समय बिता रहे थे। तो जैसे देखो गाइस कि अभी मतलब हर जगह हरा भरा, पेड़ भी अभी ठीक ठाक है, क्योंकि सहजारा रोड में सभी पेड़ कट चुके हैं, बट यहाँ के अभी फ़िलहाल ठीक है माहौल। वो देखो गाइस पूरा हरा भरा है पूरे हर जगह। गाइस ये पड़ गया हमारा, ये लेफ्ट के लिए मालदेवता और ये राइट के लिए हमारा रायपुर का पड़ेगा। और अब अपन चलते हैं रायपुर भाई को छोड़ने और फिर अभी चलते हैं फटाफट ऋषिकेश के लिए। गाइस ये देखो, ये है काली मंदिर जो पड़ता है कुंवाला से आगे और थोड़ा लच्छीवाला से पहले। तो यहाँ बोला जाता है गाइस कि जो कोई भी अपनी मन्नत मांगता है तो मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ भंडारा कराते हैं। तो गाइस वैसे यहाँ डेली भंडारा होता है। सो गाइस ये पहुँच गए हम जॉली ग्रांड। तो गाइस ये देखो कितनी भयंकर तबाही हो रही है परसों बारिश की वजह से। क्या हुआ मेरे बाबू को? फू फू कर आँख में, तुझे पता है फू करके ठंडी हवा आती है, हवा करके गर्म हवा आती है। तो गाइस फाइनली वी एंटर्ड इन ऋषिकेश। बहुत भीड़ है, बहुत रश है गाइस। हम जा रहे हैं अभी बीटल आश्रम की तरफ, वहीं जाके थोड़ा टाइम पास करेंगे। ये देखो गाइस, गो माता आगे से हट जाओ। ओए होए होए, गरम गरम साइलेंसर ना लग जाए इन पे। फक टूट गया रास्ता। यहाँ पर हमें खतरों के खिलाड़ी का सीजन पार्ट चल रहा है हमारे पास। अगर यहाँ से फिसले बच गया, अगर फिसले तो आप सीधा मौत के उसमें जा सकते हो। तो गाइस ऐसा आना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि नदी बहुत भयंकर आ रही है। भयंकर भी क्या, मतलब पानी है, बट कौन चाहेगा अपने शूज गीले करना। और अब यहाँ से इधर क्रॉस करना पड़ेगा, या तो अगर सीधे आएंगे तभी जा पाएंगे हम। चलो फिर नदी क्रॉस करके उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चौरासी कुटिया, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आपको रेट चार्ट दिखाते हैं जो कुछ इस प्रकार है। ये देखो आप, जैसे अगर आप इंडियन हो नॉर्मल तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। सीनियर हो आप, सीनियर सिटीजन हो मतलब 60+ है, तो आपको 75 देना पड़ेगा। और जो आप स्टूडेंट हो 18 साल तक, तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। पर आपको स्टूडेंट आईडी दिखानी पड़ेगी अपनी। और जो स्टूडेंट अबव 18 है, जो कॉलेज वगैरह है, तो आपको कॉलेज आईडी दिखानी पड़ेगी, तो आपको 75 का पड़ेगा। और जो फॉरेनर है उनसे 600 रुपये। फॉरेनर को लूटा जा रहा है यहाँ पर, उन्होंने हमारे देश को लूटा था, हम उन्हें लूटेंगे।
तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ आ रहे हो स्टूडेंट आईडी से, तो अपनी स्टूडेंट आईडी की फ़ोटो या फिर आईडी अपनी लेके चलो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीटल आश्रम यानी चौरसिया कुटिया में। अब हम अंदर जाके आपको अंदर का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। स्टार्ट करूं? हार्श रियलिटी ऑफ बॉयज। 3, 2, 1 स्टार्ट हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कर तू भी ले। गाइस चेक आउट द सीन गाइस, क्या सेक्सी व्यू है। क्या है गाइस, क्या है? अंकल के गाल में डिंपल पड़ रहे हैं गाइस। तो गाइस अभी हम हैं चौरासी कुटिया में, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। जो राफ्टिंग पॉइंट है उस चीज के हल्का सा ब्रिज है, फिर उसके बाद ये चौरासी कुटिया पड़ता है। ब्रिज का नाम मुझे पता ही नहीं है अभी एग्जैक्टली, पता करूंगा। बहुत ही ज्यादा गर्मी है गाइस, आते समय इतना भयंकर गर्मी हो रही है। अभी भी इतनी भयंकर पसीना अभी तो मैंने फिलहाल मुंह धो रखा है, बट गर्मी इतनी भयंकर हो रही है पसीना छूट सकता है। ऐसी जगहों से पसीना छूट रहा गाइस, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। 84 केव्स मतलब यहाँ 84 गुफाएं हैं। गुफाएं होता है ना केव्स मतलब, काफी सारी। अभी देखते हैं गाइस, एक्सप्लोर द केव्स, अंदर जाके दिखाते हैं हम इसमें क्या क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी बाउंड्री पत्थर से बनी हुई है। आप कभी एक बार अंदर आइए आप देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। भाई साहब वो आपकी मर्जी, आप कहाँ जाना चाहते हैं। पर एट द एंड दोनों एक ही जगह निकलेंगे। गाइस ये रहा ऑडिटोरियम यहाँ का, जो काफी बड़ा है, ये देख लो आप। मेरे हिसाब से तो ये शायद योगा वगैरह करने के लिए रहा होगा एक साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर टीचर सिखा रहा होगा और यहाँ पर जो भी बाकी जो लोग थे, आई थिंक योगा पर्पज के लिए है। बट अब इसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, मतलब इतनी इनकम होती है, इसको रेनोवेट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। बट ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं हम। हाँ बाल बांध लो, भूत भी लगता है यहाँ, सच में होता है भाई। बाकरी बांधनी पड़ेगी फिर। चेक दिस आउट बॉयज, क्या सुंदर व्यू है, सेक्सी व्यू है। ऑल माय भूला बुलीस चेक दिस आउट। और यहाँ पर बैठने का भी सीन है ये, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बंदा आराम से व्यू के नजर मजे ले सकता है। पर अभी हम बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों के 4 और मैं बहुत लेट हो गया, अभी घर भी जाना है। वो इतने पापा मारेंगे, अब्बा को नहीं पता हम ऋषिकेश आए हैं। आहा ये तो बिल्कुल लंबी देर माइंस जैसे लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उस टाइम पे। बट अब इनकी मतलब इनकी बहुत ना कंडीशन ना बहुत ही खराब हो गई, दराड़े आ रही है दीवारों पे। देखो कितनी सारी कुटियां हैं यहाँ पर, हम अभी आए, बहुत सारी कुटियां थी पीछे भी। और आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ और जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग आप लोग आ सकते हो।
और ये काफ़ी अच्छा है, नॉलेजेबल भी है। और यहाँ पर 1960 से भी काफ़ी चीज़ें हैं और 1970 की भी हैं, काफ़ी चीज़ें 76 की भी हैं, और हर कुटिया के बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं। ये ऐसे नंबर्स लिखे हुए 54 52। इतनी ब्यूटीफुल जगह मिली है हमें, देखो। तो गाइस बिल्कुल ऐसा भी मन ना करें आप, बिल्कुल इतना गंद फैला रखा लोगों ने। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पर डस्टबिन भी है जगह-जगह। तो गाइस ये यहाँ का कैफेटेरिया, आप कुछ भी खा सकते हो यहाँ जो भी है। तो जैसे क्लोजिंग टाइम हो गया गाइस, अब हमें घर जाना पड़ेगा। अब मिलते हैं आपको यहाँ से बाहर जाके। क्या व्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था कैफेटेरिया में आप नॉर्मली जो भी आपको खाना पीना हो वो खा सकते हो, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी शॉप नहीं है या आपको मेन मार्केट में मिलेगी ऋषिकेश में, क्योंकि बाहर जाने में भी बहुत रास्ता है। तो अगर आप आए हो यहाँ से, मेक श्योर कि आप अपना कुछ लेके आओ, या फिर अगर आप आए हो तो यहाँ पर कुछ खा लेना। सो फाइनली गाइज वी आर आउट ऑफ द ऋषिकेश और अब चलते हैं हम घर की तरफ। ये बाईपास वाले सड़क है ऊपर वाली, क्योंकि नीचे वाले रास्ते में अभी मिलेगा हमें ट्रैफिक, इसलिए ऊपर वाले रास्ते से निकल गए हैं। अभी तक तो हमें ट्रैफिक मिला नहीं, बट आगे देखते हैं ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता। तो चलिए चलते हैं फटाफट। ये गाइस एक रास्ता टेरी को जा रहा है और ये नीचे नटराज चौक की तरफ, वो भी हम जा रहे हैं नटराज चौक, क्योंकि टीवी हम जाएंगे नहीं, बस जल्दी टीवी के ब्लॉग भी आपके लिए लाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हम ऋषिकेश से निकल चुके थे और भी हमें थोड़ा आगे चल के हमें एक स्टॉल सा मिला खाने के लिए, और यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा है और हमने सोचा यहाँ खा के जरूर थोड़ा का आनंद लेना चाहिए। हाँ, वैसे सुबह से भटक रहे थे, भूख लग चुकी थी, तो हमने अभी नॉर्मली ऑर्डर किया। थोड़ा व्यू भी देख सकते हैं, पीछे का भी देखें, इधर भी देखें। मैं बोल लूँ तो हमने नॉर्मल ऑर्डर किया छोले कुलचे, और अभी छोले कुलचे के साथ आपको दिखाते हैं छोले कुलचे का स्वाद। तो ये हमारे छोले कुलचे आ चुके हैं, छोले तो पता नहीं चने हैं ये बासी से वो भी, पर कोई नहीं गाइस, भूख में सब कुछ चलता है। गाइस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं पता पर करो।